मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? सब अच्छे? सब बढ़िया? सब मजे में मौज मस्ती कर रहे हो? हाँ जी, इतनी छुट्टियां तो सर कभी नहीं मिली जितनी छुट्टियां आप कर रहे हैं। हाँ जी, तो साथ में मौज मस्ती भी कीजिए और साथ में हम साथ साथ सिलेबस भी कर रहे हैं, सिलेबस के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो वेलकम टू स्टैटिक्स क्लास। आज हमारा टॉपिक रहेगा स्टैंडर्ड डेविएशन। जो हमारा चैप्टर चल रहा है, सेकंड चैप्टर के दो पार्ट है, सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन। तो सेंट्रल टेंडेंसी हमारा कंप्लीट हो गया था, डिस्पर्सन के अंदर हमने रेंज, क्वार्टर डेविएशन एंड मीन डेविएशन देखा था। सबसे लास्ट जो पार्ट है वो क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे ईजी, सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट जो ये पार्ट है, स्टैंडर्ड डेविएशन है आपका। जो ये चैप्टर है बहुत ही एक, अगर हम बोले जैसे आपका 40 मार्क्स का जो स्टैट्स का सिलेबस आना है, जो स्टैटिक्स है आपकी, वो आनी आपकी 40 मार्क्स की, ठीक है। 40 मार्क्स को से 12 क्वेश्चन आपके इसी चैप्टर से आएंगे, सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्सन से, ठीक है। तो देख लो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए और बहुत ही इजी है, इंटरेस्टिंग भी है, काफी सारी चीजें यहां से सीखने को मिलेगी और जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे हम वहां पे इसको यूज भी करेंगे। तो अब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पहले इसका मतलब समझ लेते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या है, क्या लिखता है स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर। पहले तो एक डिस्पर्सन का पार्ट है, क्लियर है? डिस्पर्सन का पार्ट है मतलब कि जो हम डेविएशन देख रहे हैं, डेविएशन क्या होता है सर? जो हमने उधर सेंट्रल टेंडेंसी किया था ना, सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हमने मीन किया था, मीडियन किया था, मोड किया था, ज्योमेट्रिक मीन किया था, हार्मोनिक मीन किया था, वो कितना गलत हो सकता है? वो चीज हमको क्या बताएगी? डिस्पर्सन बताएगी, डेविएशन बताएगी। और जो डिस्पर्सन है उसके अंदर जो चार पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंटरेस्टिंग जो है स्टैंडर्ड डेविएशन है, सबसे बढ़िया यही माना जाता है। तो क्या कहता है? इट मेजर द एब्सोल्यूट डिस्पर्सन। एब्सोल्यूट है ये बिल्कुल, मतलब कि डिस्पर्सन का एक बहुत ही अच्छा या सबसे अच्छा टूल इसको बोल सकते हैं, या वेरिएबिलिटी ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि जो हमारा डाटा है, जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, उसके अंदर कितना वेरिएशन है, कितना डेविएशन है, ठीक है, एब्सोल्यूट डिस्पर्सन से हम निकाल सकते हैं। एब्सोल्यूट डिस्पर्सन का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन से निकाल सकते हैं। और वैसे तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सबके लिए मतलब सेंट्रल टेंडेंसी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मीन के लिए, क्योंकि इसके डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है, इट इज एक्सट्रीमली यूजफुल इन जजिंग द रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ मीन। मतलब मीन को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे अच्छा टूल जो है स्टैंडर्ड डेविएशन का है, ये जज करने के लिए कि मीन जो हमने निकाला है वो सही है, कितना अच्छा है, कितना गलत है, कितनी कमी उसके अंदर है, कितना एक्यूरेट वो है, ठीक है ना। अब उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन को हम नोट करते हैं इस सिंबल से, इस सिंबल को बोलते हैं प्यार से, क्या बोलते हैं? सिग्मा। सिग्मा है ये, सिग्मा से इसको बोलते हैं, नाम है इसका, ऑल्सो नाउन एज रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। मतलब कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसका एक नाम और भी है, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन के अंदर दूसरा नाम यूज कर लेता है, लेकिन अगर हमको नहीं पता होगा दूसरा नाम फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो हम ये थोड़ा सा अच्छे से देख लेंगे, ध्यान रखेंगे, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन है इसका दूसरा नाम। उसके बाद है वेरिएंस। वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। सर स्क्वायर तो समझ में आ गया, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे वो बताओ ना, उसके बाद ही तो स्क्वायर करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, तभी करेंगे, लेकिन ये तो पता चल गया ना कि वेरिएंस कैसे निकलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करके, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी देखेंगे। अभी ये ध्यान रखना कि वेरिएंस जो है इसका स्क्वायर है और कुछ भी नहीं है। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि हमने कोफिशिएंट किया है, हमने कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी किया है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डेविएशन भी किया है, कोफिशिएंट ऑफ मीडियन भी किया, ठीक है ना, मीन डेविएशन किया है। यहां पे हम करेंगे कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये रहेगा स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन, ये क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि कहने का मतलब ये परसेंटेज भी दिखेगा और ये कुछ नंबर में दिखेगा, नंबर का मतलब एक वैल्यू में दिखेगा, ये परसेंटेज में दिखेगा, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। प्यार से सीवी भी बोलते हैं, सी ओ वी भी बोलते हैं, सी वी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और ये भी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, बोलने का तरीका है, कहीं पे सी वी लिख दिया, कहीं पे सी ओ वी लिख दिया, ठीक है ना। अब सी ओ वी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा, द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हैज ए ग्रेट प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस एंड इज द बेस्ट मेजर ऑफ
कंपेयरिंग द वेरिएबिलिटी ऑफ टू सीरीज, मतलब कि कोई भी दो डाटा है, कोई भी दो नंबर है, ठीक है, उनके बीच में कंपेयर करना कि कौन सा अच्छा है और कौन सा अच्छा नहीं है, वो कैसे कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस से। और आप सीए कर रहे हो, ठीक है, ज़्यादातर पैसों में ही रहते हो आप लोग, बिजनेस के अंदर ही रहते हो, तो बिजनेस के अंदर क्या कंपेयर करना, अभी दो बिजनेस है, दो बिजनेस के अंदर कैसे कंपेयर करोगे कि कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है। तो सर हम उसका प्रॉफिट देखेंगे, क्या प्रॉफिट से किसी बिजनेस का पता लगा सकते हैं क्या, नहीं, प्रॉफिट कोई ऐसा टूल नहीं है कि जिसे पता चला सकते हैं। ये भी देखना होता है सर उनका इन्वेस्टमेंट कितना है, उनका सिस्टम कितना है, ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है, कितनी टीम उनके साथ जुड़ी हुई है, किसका ब्रांड अच्छा है, कौन अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है, कौन लॉन्ग टर्म जा सकता है, कौन लॉन्ग टर्म नहीं जा सकता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सारी चीज़ें देखने के लिए आपके पास वो पावर, वो नॉलेज होनी चाहिए जिससे आप उसको कंपेयर कर सकते हो। और एक ऐसा टूल मैं आपको दे रहा हूँ जिससे आप उसको कंपेयर कर सकते हो। सर कंपेयर कैसे करेंगे, कंपेयर करना भी सिखाएंगे, एक बार टूल तो देख लो, ठीक है, पता तो चल जाए कि हमको यूज़ क्या करना है। तो इस तरीके के हम सारे तीर रखेंगे अपने कमान के अंदर, कौन सा तीर कहाँ यूज़ करना है आगे आने वाली लाइफ के अंदर देखेंगे, लेकिन अभी हमको उसको सीखना है अच्छे से, ठीक है ना। तो सबसे आसान सबसे ईजी है ये क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर सबसे पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे, फिर हम वेरिएंस देखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस देखेंगे। तो बस ये परसेंटेज में आएगा और ये किस में आएगा, वैल्यू के अंदर, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मीन मतलब यूज कहाँ हुआ, कि जो हमने मीन निकाला था उसमें कितना फर्क आ सकता है, ठीक है ना, कितना फर्क उसके अंदर आ सकता है वो हम निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन से, ठीक है ना। अभी आगे देखते हैं, हाँ जी, ये क्वेश्चन है इंडिविजुअल सीरीज का। अभी हम स्टैंडर्ड डेविएशन देख रहे हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर सबसे पहले देखेंगे इंडिविजुअल, फिर डिस्क्रीट और फिर कॉन्टिन्यूअस सीरीज। सर ये तो वही क्वेश्चन लिख दिया आपने, पहले भी किया था ये क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन है ये तो, हाँ जी वही सेम क्वेश्चन है, लेकिन चीज नहीं है, तरीका नया है, कंसेप्ट नया है, ठीक है, और नए तरीके से हम इसको करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसका मीन निकालते हैं। सर मीन निकालना तो हमको आता है, यही क्वेश्चन का तो निकाला था, इसका टोटल आ जाएगा सर 30, और मीन निकालना है तो समेशन एक्स बाय एन 30/5, ये आ जाएगा 6, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं बहुत ही एक ईजी मेथड से कर रहे हैं, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन इस तरीके से कर लेंगे हम, सारे आपके उंगलियों पे हो जाएंगे, ठीक है। सर उस चैप्टर के अंदर ये फॉर्मूला है, इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ऐसे करेंगे। एक चीज़ और बताता हूँ आपको, जो आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, या जो वीडियो के अंदर मैं क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, आप क्वेश्चन देखते हो, वीडियो देखते हो, आपको उसी टाइम समझ में आ जाती हूँ, ठीक है। मेरे को 100% या 200% विश्वास है कि कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। या जो क्वेश्चन मैं बीच बीच में सेंड करता हूँ, जैसे कि वीडियो कंप्लीट होगी, दो क्वेश्चन चार क्वेश्चन फिर मैंने सेंड कर दिए, वो क्वेश्चन भी सारे बच्चे सोल्व कर लेते हैं, कोई परेशानी उसके अंदर नहीं है। अगर परेशानी आपको अगर आएगी तो जो मैं अलग से असाइनमेंट जो आपको सेंड करूंगा उसके अंदर प्रॉब्लम आएगी। सर बिल्कुल सही कह रहे हो, आपने तो ना हमारी मतलब दुखती रख पे हाथ रख दिया, दुखती रख को पकड़ लिया, जहां दिक्कत थी वही दिक्कत आपको पता चलेगी। बच्चा मेरे को पता सारा कुछ है कि आपको कहाँ दिक्कत आ सकती है कहाँ दिक्कत नहीं आ सकती, लेकिन एक सिंपल सी बात अगर आप समझ लोगे, ठीक है, तो लाइफ में कभी पीछे नहीं रहोगे। क्या बात समझ लोगे, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक टीचर तो बाद में हूँ, मैं एक क्या हूँ, कुम्हार हूँ, और आप क्या हो, आप मेरे लिए सिर्फ एक मिट्टी हो, ठीक है। मेरा काम क्या है, गीली मिट्टी से एक घड़ा बनाना है, जैसे कुमार करता है, क्या करता है वो, गीली मिट्टी से क्या बनाता है, घड़ा बनाता है। तो कैसे बनता है घड़ा, आपने देखा भी होगा, अगर जो थोड़े मतलब प्रॉपर शहर में रहते हैं उनको तो इतना नहीं पता होगा, लेकिन जो थोड़ा गांव से जुड़ा हुआ है या आसपास के एरिया से जुड़ा हुआ उसको जरूर पता होगा कि वो जो घड़ा है वो किस तरीके से बनता है। मिट्टी होती है, उसको पहले गीला करना पड़ता है, ठीक है, गीला होना पड़ेगा, गीला होने के बाद जो चक्कर है उस चक्कर पर चढ़ना पड़ेगा, पिसना पड़ेगा। आप लोग भी ऐसे ही हो, ठीक है ना, अभी तो गिले ही नहीं हुए हो। गिले का मतलब क्या होता है, आपके लिए गिले होने का मतलब क्या है, आपके लिए गिले होने का मतलब है कि जो आपका सिलेबस है वो एक बार आपने कवर अप करना, वो हो गया आपका गिले होने का मतलब। उसके बाद वो चक्कर चलेगा, चक्कर चलेगा तो क्या हो जाएगी, छनाई हो जाएगी, पिसाई हो जाएगी।
आपकी कैसे होगी? जब पूरा सिलेबस कर लोगे तो उसमें से जो निचोड़ निचोड़ के निकलेगा ना, ये टेस्ट हुआ सर, पहला टेस्ट हुआ, दूसरा टेस्ट हुआ, तीसरा टेस्ट हुआ सर, असाइनमेंट हुआ, वो जो निचोड़ निकलेगा, ठीक है? और फिर उसको एक शेप देना है, ठीक है ना? जब चक्कर घूमता है उसके बाद एक शेप देनी होती है घड़े को, वो शेप देना है, ठीक है? शेप देना है, और शेप देने के बाद जब वो घड़ा बन जाएगा, प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या करना है, उस चक्कर से हटाना है उसको, और उस हटाने के बाद उसको क्या करना है, तपाना है आग के अंदर। जब आग के अंदर तप जाएगा वो, ठीक है, उसके बाद क्या करना होता है, उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से डिजाइनिंग कलर वगैरह वो करके एक प्रॉपर घड़ा वो तैयार हो जाता है आपका, ठीक है? आप भी बिल्कुल इसी तरीके से हो, ठीक है ना? मैं टीचर बाद में हूँ, मैथ्स प्लेयर बाद में हूँ, सबसे पहले मेरे को क्या करना होता है, एक मिट्टी से घड़े को बनाना होता है। तो ये चीज़ आप पे किस तरीके से लागू होगी? पहले बात तो आप गीले हो जाइए, ठीक है? गीले होने का मतलब जो करा रहा हूँ करते जाइए, ठीक है ना? अब बोलोगे सर अभी दिक्कत आ गई यहाँ पे गीला होने में, क्या दिक्कत आ गई सर? जो आपने असाइनमेंट दिए, हमारा कॉन्फिडेंस टूट गया वहाँ पे। कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ना वहाँ पे, आप मेरी उंगली पकड़ के चल रहे हो, ठीक है? और ये जो दरिया पार जो करना है ना, ये सीए बोल, सीए को क्या बोलते हैं, आग का दरिया है और तैर के जाना है, ये बोलते हैं सीए को। अगर आप किसी भी प्रॉपर तरीके से किसी से भी पूछोगे, यही बोलेंगे कि आग का दरिया और तैर के जाना है। तो तैर के कैसे जाना है, इसमें से ऐसे नहीं जाना, उंगली पकड़ के जाना है। किसकी उंगली पकड़नी है? टीचर की उंगली पकड़नी है, मेरी उंगली पकड़नी। और एक बार जब उंगली पकड़ ली तो ऐसे दरिया पार हो जाएगा कि पता नहीं चलेगा कि आग थे कि फूल थे, ठीक है ना? फूल जैसे लगे। तो लेकिन उसके लिए तपना तो जरूरी है ना, चीजें करनी तो जरूरी है। तो जैसे करा रहा हूँ वैसे करते जाइए, मेरे को भी पता है कहाँ दिक्कत आ रही है। मेरे को 100% पहले भी ये था कि असाइनमेंट में दिक्कत आएगी, लेकिन एक बहुत अच्छा लगा मेरे को कि मोस्टली क्वेश्चन सोल्व हो गए, डाउट्स भी लिए, उसमें से जो क्वेश्चन गलत था वो भी हमने पता लगा लिए कि सर ये क्वेश्चन तो गलत है, ठीक है ना? तो उससे काफी चीजें निकल के आई, एक तो रिवीजन होगी, एक हमको पता चल गया अभी, हाँ हम इतनी चीजें कर रखी है, ठीक है ना? तो बस करते जाइए, समझ में आता जाएगा, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं आएगी। फिर भी किसी बच्चों को डाउट्स है तो कॉल भी कर सकता है मेरे को, नंबर सबके पास है, ठीक है? कोई ऐसे हिचकिचाने की या घबराने की बात है नहीं। हाँ जी, तो हम क्वेश्चन कर रहे थे, हमने मीन निकाल लिया, तो मीन तो सब बहुत इजी है, और मीन के बाद क्या करना है, हम क्या करेंगे, मीन को इसमें से लेस कर देंगे। सर ये तो हमने मीन डेविएशन के अंदर भी किया था। हाँ जी, मीन डेविएशन में भी किया था, यहाँ पे भी करना है, तो सर कुछ तो फर्क होगा ना? हाँ बेटा जी, फर्क तो है। क्या फर्क है? तो सर वहां पे मॉडुलस लगाया था, यहाँ पे मॉडुलस नहीं लगाना। मॉडुलस का क्या मतलब था कि माइनस वाला भी प्लस का कर दिया था, यहाँ पे नहीं करना उसको, ठीक है ना? यहाँ पे हमको नहीं करना हो। हाँ जी, तो यहाँ पे उसको नहीं करना। हाँ जी, आगे देखते हैं, तो नहीं करना, तो 2 में से 6 माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा, -4। 4 में से 6 माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा, -2। 6 में से 6 माइनस हो जाएगा 0। 8 में से 6 चला जाएगा 2, और 10 में से 6 चला जाएगा 4, ये आ जाएगा, ठीक है? अब ये आ जाएगा, तो इसके बाद क्या करना है, मोड़ तो लगाना ही नहीं है। अगर इसका टोटल करके देखोगे तो टोटल आ गया ये 0, टोटल 0 आ गया। जो टोटल 0 आया तो हम इसको एक बार लिख लेते हैं। अब टोटल का मतलब क्या है, जो भी असाइनमेंट दिए थे उसके अंदर एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन था सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन ऑलवेज बी 0। ये आपने डाउट्स पूछा था तो मैंने बोला था ये तो याद रखने वाला है, 0 याद रख लो। लेकिन याद रखने वाला कुछ भी नहीं होता, लेकिन उसको एक्सप्लेन जरूर करेंगे कहीं ना कहीं, लेकिन अगर मैं वहीं पे एक्सप्लेन करता तो थोड़ा इतना क्लियर नहीं होता जितना यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है जी। कैसे होता है देख लो, टोटल करके 0 आ रहा है, ये क्या है, सम ऑफ डेविएशन है ना, ये हमेशा क्या आएगा, 0 है। अब आगे देखिए, अब इसका क्या करना है, स्केयर करना है, इसका क्या करना है, स्केयर। तो स्केयर करेंगे तो 16, 4 0 4 16, सर ये टोटल आ गया 40, ये टोटल क्या आ गया, 40। एक क्वेश्चन और था जो मैंने असाइनमेंट किया था, उसमें था सम ऑफ स्केयर
सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ डायमेंशन फ्रॉम मीन या मीडियन, मीन दे दे या मीडियन दे दे, ऑलवेज मिनिमम, ये आंसर है उसका। ये दो क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन लगातार थे उसके अंदर, ये क्वेश्चन था पहला, फिर ये मीन से था, फिर मीडियन से था, ये क्या आएगा मिनिमम। मतलब कि जो समेशन डीएक्स स्क्वायर है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन समेशन डीएक्स स्क्वायर है, वो मीन से बाय चांस यहाँ पे मीन और मीडियन सेम आ रहा है, मीन और मीडियन सेम आ रहा है, उसे हमेशा क्या होएगा मिनिमम। सर मिनिमम कैसे है ये, अभी इसको थोड़ा सा और आगे करेंगे ना, जब जब मतलब मीन से या मीडियन से ना निकाल के किसी और नंबर से निकाल लेंगे, एज्यूम मीन से जब इसको निकाल लेंगे तो सर ये ज्यादा आएगा, मतलब कि कम से कम तो 40 ही है, इससे कम नहीं हो सकता, चाहे कोई भी नंबर लेके देख लो। तो ये मिनिमम हो गया, तो ये क्वेश्चन हमारे वहां पे कवर भी हो गए इसका से। अभी आगे देखते हैं, तो आगे हमको क्या करना है, जब इतना हो गया तो हमको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, आपको एक पावर, एक नॉलेज देने जा रहा हूं स्टैंडर्ड डेविएशन की, जो काफी यूज में आएगा। तो इसका सिंबल है सिग्मा और इसका फॉर्मूला है समेशन डीएक्स स्क्वायर बाय में एन, इसका रूट कर देंगे। तो ये हो गया 40 बाय 5 और ये हो गया रूट 8। अगर आप कैलकुलेटर पे 8 का रूट करेंगे तो 2.828 आएगा, यानी कि आंसर आएगा 2.83, ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपका क्या आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। तो सर बस इसका स्केयर किया, ऐड कर दिया, ये फॉर्मूला ध्यान रखना बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर फॉर्मूला याद है तो सारे के सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर दो। हाँ जी, तो अब वेरियंस क्या था सर, अभी आपने बताया था वेरियंस था स्टैंडर्ड डेविएशन का स्केयर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन है रूट एट, तो रूट एट का स्केयर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। रूट एट का स्केयर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्लियर, ये हमारा वेरियंस आ गया। तो सर और भी बताओ इसके अंदर, तो और इसके अंदर क्या लिखा था हमने, और इसके अंदर लिखा था, मैं इसको हटा देता हूँ एक बार, स्पेस मिल जाएगा अपने को। तो इसके बाद लिखा था कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये था सर स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बाय में क्या था, मीन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन है 2.83 और मीन कितना है 6, तो ये आएगा 0.4716 अगर आप इसको डिवाइड करोगे। सर एक चीज और भी थी, एक चीज और क्या थी, कोफिशिएंट ऑफ वेरियंस था, कोफिशिएंट ऑफ वेरियंस था। तो इसमें क्या करना था, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन मल्टीप्लाई 100 करना था। तो ये हो जाएगा 47.16%। तो अभी हमने क्या क्या चीजें देखी, स्टैंडर्ड डेविएशन देखा, उसके बाद वेरियंस देखा, वेरियंस कितना आ गया 8, उसके बाद उसी क्वेश्चन का क्या देखा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन देखा, उसके बाद उसी क्वेश्चन का क्या देखा, कोफिशिएंट ऑफ वेरियंस देखा। तो सर यहाँ तो एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें हो गई। हाँ जी, एक ही क्वेश्चन के अंदर हमने सारी चीजें इसके कवर अप कर ली, ठीक है ना। तो अभी हम देखते हैं आगे। हाँ जी बच्चों, अभी हमने एक क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया, मीन निकाला, मीन में से लेस करके, ये मीन इसमें से लेस करके डीएक्स निकाला, डीएक्स से डीएक्स स्क्वायर निकाला। अब एक चीज बताओ, अगर बाय चांस मीन जो है ये अगर पॉइंटों में आ जाए, तो सर ये पॉइंटों में आ जाए तो ये लेस करेंगे तो सर ये भी पॉइंटों में आएगा सारा, और ये पॉइंटों में आएगा तो सर इसका स्क्वायर करेंगे ये भी पॉइंटों में आएगा, टोटल करेंगे पॉइंटों में, तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा पॉइंटों में जाते जाते। तो सर कुछ और बताओ, जरूर कुछ ना कुछ तो होगा इसका, ठीक है ना, कुछ ना कुछ तो ट्रिक होगी। तो बिल्कुल है, कैसे करेंगे देखो, ये था एक्चुअल मीन, एक्चुअल मीन था ये, अभी हम एक्चुअल मीन ना लगा के एज्यूम मीन से करेंगे इसको। हाँ जी देखो, अब ये क्वेश्चन है, अभी इसको करना है एज्यूम मीन से, तो आप कोई भी मीन एज्यूम कर लीजिए। तो सर क्या मीन एज्यूम करें, कुछ भी कर लो भाई, इनमें से करें, इनसे बार भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक
ठीक है ना। तो कुछ भी एज्यूम कर लो, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। तो मान लीजिए हम एट एज्यूम कर रहे हैं, एट एज्यूम कर रहे हैं, तो एट एज्यूम कर रहे हैं तो मीन निकालने की जरूरत नहीं है, और एक्स में से क्या माइनस कर देंगे, ए माइनस कर देंगे हम। तो ये आ गया -6, -4, -2, और ये आ गया 0, और ये आ गया 2। इसका टोटल किया तो -10 आ गया। अभी 0 क्यों नहीं आया सर? 0 तो तब आएगा ना जब एक्चुअल मीन से निकालेंगे, ये तो एज्यूम मीन से है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी आगे देखेंगे, फिर निकालना है डीएक्स स्क्वायर। तो डीएक्स स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 36, ये 16, ये 4, ये 0, ये 4, सर ये आ गया 16। सर एक बात प्रूफ होगी यहाँ पे, क्या बात प्रूफ होगी भाई? आपने बोला था सर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज मिनिमम, सर 40 था वहां, वो कम था, मिनिमम था, ये सर 60 आ रहा है। तो मैंने तो पहले बोला था कि मीन के अलावा किसी भी नंबर से निकालोगे तो ये ज्यादा बन जाएगा, मीन से निकालोगे तो कम रहेगा। हाँ जी प्रूफ हो गया, ठीक है ना। और सम ऑफ डेविएशन अगर 0 है तो वो किससे है, एक्चुअल मीन से है, 0 नहीं है तो किससे है, एज्यूम मीन से है। सर एक लाइन आपने लिखवाई थी जब सेंट्रल टेंडेंसी कर रहे थे, क्या कर रहे थे, सम ऑफ डेविएशन, सम ऑफ डेविएशन अभी भी लिखा था ये फ्रॉम एक्चुअल मीन, ऑलवेज 0। और सब जब 0 नहीं है तो क्या वो एज्यूम मीन है? और हमने वहां पे फॉर्मूला भी लिखा था कि क्या फॉर्मूला था, एज्यूम मीन से एक्चुअल मीन निकालने का फॉर्मूला था, कौन सी सीरीज का था, ये इंडिविजुअल सीरीज का था एंड डिस्क्रीट सीरीज का था, समेशन एफ आ जाएगा साथ में, समेशन एफ डीएक्स डिवाइड बाय समेशन एफ। तो ये था हमारा डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सीरीज का, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सीरीज का। ये आपके स्टडी मटेरियल के अंदर क्वेश्चन भी है, ये एग्जाम के अंदर आया हुआ है, बस ये ध्यान रखना ये इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है, ये डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन है। तो सर ये अभी क्यों बता रहे हो? अभी इसलिए बता रहा हूँ सर, कई बार क्वेश्चन आता है उसके अंदर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों चीजें पूछ लेते हैं, ठीक है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों चीजें पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो फिर क्या करेंगे, तो जिस तरीके से हम ये निकाल रहे हैं उसी तरीके से मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों चीजें निकल जाएगी। और ये इसकी हेल्प ज्यादा कहाँ होगी, इसमें डिस्क्रीट सीरीज के अंदर ज्यादा हेल्प होगी। तो चलो अभी आगे करते हैं, अभी तो ये कर लिया, इसके बाद देखो। तो सर अभी हमको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था वो था ये फॉर्मूला था सर, समेशन डी एक्स स्क्वायर बाय में एन, ये फॉर्मूला हमने याद कर लिया सर के स्टैंडर्ड डेविएशन का है, कब, जब हम डायरेक्ट एज्यूम मीन एक्चुअल मीन से जब हम उसको कर रहे हैं। इसके अंदर मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, चेंज क्या किया, समेशन डी एक्स डिवाइड बाय एन और उसका होल स्केयर, ठीक है। अब ये बताओ सर वो वाला याद करें कि ये वाला याद करो? मैं कहता हूं कि ये वाला याद कर लो, क्यों कर ले वाला याद? अब ये बताओ जब हमने वो पिछला क्वेश्चन किया था एक्चुअल मीन से, तो समेशन डी एक्स क्या था, सम ऑफ डेविएशन 0 था। अगर ये 0 हो जाएगा तो फॉर्मूला क्या बचेगा, वही बच जाएगा पिछले वाला। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो सर ये वाला याद कर लेते हैं, जब ये 0 हो जाएगा तो ये बच जाएगा, ये पिछले वाला फॉर्मूला बन गया। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करके देखते हैं, ये हो गया 60/5, ये है -10/5 इसका होल स्केयर, तो ये कितना आ गया 12, ये कितना आ गया -2 का स्केयर 4, और ये हो गया √8, वही आ गया 2.8। सर ये तो वही आंसर आ गया, आंसर तो वही रहेगा क्योंकि क्वेश्चन ही वही है भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो सर अलग मेथड क्यों करना पड़ा, अगर ये पॉइंटों में आ जाए तो लेंथी हो जाएगा, फिर ये वाला इजी रहेगा। तो सर क्या उस मेथड से हो नहीं सकता क्या? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो सर क्या सारे क्वेश्चन उसी मेथड से करें या इससे करें, जिससे मर्जी करो आंसर वही रहेगा, आंसर में गड़बड़ नहीं होगी, इतने मेथड कर क्यों रहे हैं फॉर्मूले के लिए, ठीक है ना। फॉर्मूला ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले में कौन सी चीज क्या है पता चलेगी ना क्या है, ठीक है ना। अभी आगे और देखते हैं, ठीक है ना, आगे देखते हैं। हाँ जी आगे क्वेश्चन कर रहे हैं। अब बोलोगे सर ये क्वेश्चन तो आपने दोबारा फिर से वही लिख दिया, नहीं वही क्वेश्चन तो वही है लेकिन तरीका अलग रहेगा। अब ये वाला तरीका क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर नंबर बहुत शॉर्ट है, बहुत सिंपल नंबर है, तो और भी हम आसान तरीके से कर सकते हैं,
कैसे? देखो अभी बताओ, तो अभी हमको क्या करना है, पहले तो क्या करना पड़ता था सर, या तो मीन निकालना पड़ता था, मीन को इसमें से लेस करना पड़ता था, फिर डेविएशन आ गया, डेविएशन का स्क्वायर किया, लेंथ ही पड़ता था। दूसरे वाले में बताओ सर, दूसरे वाले में तो क्या करते थे, एज्यूम कर लेते थे, फिर एज्यूम को लेस करते थे, लेस करने के बाद जो आता था फिर उसका स्क्वायर करते थे, उससे भी इजी बताता हूँ। अब क्या करना है आपको, डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर दो, ना एज्यूम में ना एक्चुअल में। तो इसका स्क्वायर किया तो 4, 16, 36, 64, 100, टोटल इज 220 और डिवाइड बाय 30। ठीक है, तो सर फॉर्मूला तुमको ये वाला याद किया था, आपने बोला था ये जीरो हो जाएगा तो ये फॉर्मूला बच जाएगा वरना सारा बच जाएगा, कोई बात नहीं, घबरा क्यों रहे हो। देखिए अब इसमें क्या करा सर, हमने इसमें डाइवेशन नहीं निकाली सर, डाइवेशन को हम यूज कर रहे हैं डी से, डाइवेशन नहीं निकाली ना, आपके पास डी नहीं है ना, तो डी छोड़ दो। ठीक है सर, हम डी छोड़ दे, पक्की बात? हाँ जी, लो जी, आपने कहा इसलिए हमने डी छोड़ दिया, डी छोड़ दिया तो ये बन गया। ठीक है सर, आपके ऊपर भरोसा करके डी छोड़ा है, तो आपने भरोसा किया तो बिल्कुल सही आएगा, गलत नहीं आएगा। देखो अभी निकाल के बताता हूँ, तो ये आएगा आपका 220 डिवाइड बाय 5, 30/5, और इसका स्केयर ये आ गया 44, ये आ गया 6, 6 का स्केयर 36, ये आ गया √8, 2.83। सर ये तो वही आंसर आ गया, तो मैंने क्या बोला था, एक बार विश्वास तो करो, बिल्कुल आएगा आंसर। ठीक है, ऐसे थोड़ी ना मैथ्स प्लेयर बोलते हैं, ठीक है ना, तो वही आंसर आ गया। सर मेथड तो तीन हो गए, करे कौन सा, कोई भी मेथड कहीं भी लगा दो आंसर बिल्कुल सेम आएगा, तीनों से सेम आएगा, कोई भी मेथड गलत नहीं है। सर एग्जाम में कौन सा यूज करें, कोई भी यूज कर लो, फिर भी बताओ सर। तो फिर भी क्या है, अगर बिल्कुल शॉर्ट नंबर है तो ये वाला यूज कर लो, मीन अगर पॉइंटों में आ रहा है तो एज्यूम वाला यूज कर लो, या फिर एक्चुअल मीन कर लो, या कोई भी कर लो, आंसर गलत नहीं होगा। यहाँ तो फिर भी लेंथ ही पड़ रहा है क्योंकि हमने वर्बली सोल्व किया है, कैलकुलेटर से नहीं किया, आपके पास तो कैलकुलेटर है, फॉर्मूला है, सोल्व कर दो बस। ठीक है ना, तो सर ये फॉर्मूले तो अब याद हो गए, लेकिन एक बात मैं दोबारा फिर बोलूंगा, आप विश्वास करके चलो, दो लोगों पे विश्वास करना है। ठीक है, दो में से पहला कौन है, पहले हो आप खुद, दूसरा हूं मैं, मतलब कि मेरे ऊपर भी विश्वास करके चलना और आपको खुद के ऊपर भी विश्वास करना है, कराना सिलेबस मैंने, करना सिलेबस आपने। ठीक है ना, तो कोई भी दिक्कत हो किसी भी तरीके से, वो आप डाउट शेरा या कुछ भी पूछना हो बिना हिचकिचाए वो चीज पूछ सकते हो। ठीक है ना, बस चलते जाओ, कोई भी दिक्कत आए, ठीक है ना, घबराना नहीं है बस, अभी आगे देखते हैं। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन करना है डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है, और आपको क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। पहले बता रहा हूँ क्वेश्चन लेंथ ही पड़ेगा सर, लेंथ ही पड़ेगा तो करा क्यों रहे हो फॉर्मूला बताने के लिए सर, इतना लेंथी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, पहले ही बताया कोई भी लेंथी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर नहीं आएगा, या तो फॉर्मूला पूछा जाएगा या उसका जो कंसेप्ट है वो वाला जो कंसेप्ट है यूज होगा, एग्जाम बहुत ही इजी होगा। ठीक है, बहुत आसान एग्जाम होगा। ठीक है, अब क्या है, मैंने इसमें पहले बता दिया सर क्वेश्चन लेंथी होगा, तो अब आप घबराओगे नहीं क्योंकि मैंने बता दिया पहले। इसी तरीके से जो मैंने असाइनमेंट दिए थे वो भी क्या थे, उसमें अब क्या था, उसमें काफ़ी सारे डाउट्स भी आए आप लोगों के, तो सर सारे आएंगे एग्जाम में? नहीं, एग्जाम में नहीं आएंगे। पहले मैंने बताया था कि जो भी क्लास के अंदर करवा रहा हूँ मोर देन सफिशेंट है, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, जितना क्लास के अंदर करा रहा हूँ उसमें आपकी अजम्पशन तो पक्की है। मैंने 65 मार्क्स आपको काउंट करके दिखाए थे पहले दिन कि कैसे आप 65 मार्क्स स्टैटिक्स के अंदर कवरअप कर सकते हो, मिनिमम बताए थे वो। ठीक है, मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं है, कितने भी ले सकते हो, 100 आउट ऑफ 100 भी ले सकते हो। ठीक है, बस विश्वास रखना और हारना नहीं। हाँ जी, तो ये एक्स हो गया और ये क्या हो गया, एफ हो गया। अब आगे देखिए, तो इसके अंदर क्या करना है, इसको मैं दो मेथड से कराऊंगा, एक एक्चुअल मीन और एज्यूम मीन। ठीक है, दोनों जरूरी है, दोनों का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पहले हम कर रहे हैं एक्चुअल मीन से, तो दोबारा से रिविजन करते हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं मीन का, मीन के अंदर क्या निकालना है हमको, डिस्क्रीट सीरीज का मीन निकालना है सबसे पहले, मीन तो चाहिए ना, तो मीन निकालेंगे तो एफ और एक्स की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सर। करो फिर एफ और एक्स की मल्टीप्लाई, सर ये 20 आ गया, ये 77 आ गया, ये 132 आ गया, ये 195 आ गया, 140 आ गया, 60 आ गया, 16 आ गया। सर इनका टोटल और कर दो, इनका टोटल कर दो भाई, करो टोटल इसका, ये आ गया आपका
50 आ गया सर, ठीक है। और इसका टोटल अगर हम कर लेते हैं, कैलकुलेटर यूज़ कर लो, 20 प्लस 77 132, इसके बाद है आपका 195, देन 140, देन 60, देन 16, ऐड कर लिया 640। सर मीन आ गया समेशन एफ एक्स डिवाइड बाई समेशन एफ 640/50, 12.8 आ गया सर, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका मीन का और हो गया भाई। तो सर मीन आ गया, मीन के बाद क्या करेंगे, मीन निकालना तो हमको आता है, तो मीन के बाद क्या करना है, डी एक्स निकालना है। सर डी एक्स कैसे निकलेगा, डी एक्स निकलेगा एक्स माइनस में एक्स पावर, तो एक्स में से ये लेस करो, -2.8, उसके बाद -1.8, -0.8, फिर 0.2, 1.2, 2.2 और 3.2, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब हमको करना है, हमको चाहिए एफ डी एक्स और एफ डी एक्स का स्क्वायर, ये चाहिए। तो एफ डी एक्स कैसे आएगा, इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, डी एक्स से, तो इसकी मल्टीप्लाई से कर दो, ये आ गया -5.6 और ये 1.8 मल्टीप्लाई 7 -12.6 -8.8, ये आ गया 3, ये आ गया 12.8 और ये आ गया 3.2। तो इसका अगर हम टोटल कर रहे हैं तो टोटल इसका आ रहा है 0, करके देख लो टोटल क्या आ रहा है, 0। मैंने क्या बताया था, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन ऑलवेज बी 0, सीरीज कौन सी हो सर, इंडिविजुअल हो डिस्क्रीट हो चाहे कॉन्टिन्यूज हो, हमेशा 0 आएगा एक्चुअल मीन से हमेशा। अब क्या करना है, एफ डी एक्स स्क्वायर करना है, तो इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, इससे, क्योंकि एफ डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो इसकी मल्टीप्लाई अगर हम इससे करते हैं तो कर रहे आएंगे 2.8 मल्टीप्लाई 5.6, माइनस से माइनस कट हो गया, माइनस से माइनस कट हो गया, तो ये आ गया 15.68, 15 पॉइंट क्या आ गया, 68 आ गया। इस तरीके से मल्टीप्लाई करते जाओ, इसके आगे मल्टीप्लाई करते हैं, अभी हम 12.6 मल्टीप्लाई 1.8, तो 22.68, उसके बाद अगर हम ये मल्टीप्लाई करते जाएंगे हाँ जी आगे देखो, तो मल्टीप्लाई करेंगे 8.8, आप लोग भी करो मल्टीप्लाई साथ साथ, मल्टीप्लाई 0.8, 7.04, यह आ जाएगा 0.6, यह आ जाएगा 14.4, यह आ जाएगा 2.2 मल्टीप्लाई 8.8, 19.36 और यह आ जाएगा 10.24, इसको ऐड कर दीजिए, इसको अगर हम ऐड करेंगे, ऐड कर लीजिए इसको 15.68, आप भी करो साथ साथ, 26.8, 7.04, 0.6, 14.4, 19.36, 10.24, ये आ रहा है आपका 90, ठीक है। अब फॉर्मूला देखो सर, आपने एक फॉर्मूला याद कराया था, मैंने बोला था ये वाला याद कर लो, समेशन डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन और समेशन डी एक्स बाय एन और इसका होल स्क्वायर, फॉर्मूला भी यही रहेगा, थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्यों करेंगे बेटा, फ्रिक्वेंसी आ गई ना, तो फ्रिक्वेंसी के लिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा समेशन। अब एक चीज़ और देखो, अब ये फॉर्मूला भी करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये तो हमने एक्चुअल मीन से किया ना, अज्यूम मीन के अंदर काम लेंगे ये वाला, तो ये फॉर्मूला किया था हमने एक्चुअल मीन का, तो इसके अंदर सिर्फ एफ लगा दो, क्या है, समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय समेशन एफ, ठीक है ना, तब ये हो गया 90/50 इसका रूट, 1.8 का रूट, तो 1.8 का रूट अगर कैलकुलेटर पे अगर हम करके देखते हैं, आप लोग भी करके देखो, तो 1.8 का रूट आ रहा है ये 1.342, ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। तो इसके अंदर करना क्या था सर, एग्जाम में इतना लेंथी क्वेश्चन आएगा क्या, नहीं आता, पहला क्वेश्चन तो देखो यहाँ पे क्लियर हुआ,
क्या क्लियर हुआ, समेशन ऑफ डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन इन डिस्क्रीट सीरीज ऑलवेज बी जीरो। ठीक है, फॉर्मूला यही वाला यूज हुआ, ये फॉर्मूला और हमने याद कर लिया। अगर पूछ ले तो ध्यान रखना कि डिस्क्रीट सीरीज में किस तरीके से हम इसको निकालें। ठीक है ना, अब इसी क्वेश्चन को हम कौन से मेथड से करेंगे, इसी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे एज्यूम मीन से। उससे कैसे करेंगे देखते हैं अभी इस क्वेश्चन को। ठीक है ना, एक मिनट रुको। हाँ जी, ये मैंने रफ कर दिया। अभी देखो वही क्वेश्चन है, इसको हम किससे करेंगे, एज्यूम मीन से करेंगे। तो सर एज्यूम क्या करें, कुछ भी कर लो, कहाँ से करें सर, यहाँ से कर लो चाहे इसे बाहर से कर लो। ठीक है, तो चलो सर बाहर से कर लेते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बाहर से करेंगे और इसके अंदर से करेंगे तो ये वाला इजी पड़ेगा। ठीक है, अच्छा सर इनमें से कुछ भी एज्यूम कर लो, हाँ जी कुछ भी कर लो, आंसर तो वही रहेगा। लेकिन इनके अंदर से अगर बीच वाला नंबर एज्यूम करोगे तो और भी ज़्यादा आसान पड़ेगा। ठीक है ना, हमको तो इजी बनाना है ना क्वेश्चन को, तो इसलिए बीच वाला नंबर ले लिया। क्यों ले लिया, कोई रीज़न नहीं है, रीज़न का मतलब आंसर वही आएगा चाहे कोई भी नंबर लो, लेकिन यहाँ से आसान पड़ेगा। ठीक है, तो ये रीज़न हो गया। तो हमको क्या करना है, dx निकालना है सीधा ही, मीन वगैरह निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो dx निकालना है तो x माइनस क्या हो जाएगा, a, तो x माइनस a हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री हो गया। ठीक है, तो अब निकाल लो fdx निकाल लो। तो fdx निकालेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसी से करनी है, माइनस सिक्स माइनस फोर्टीन माइनस इलेवन जीरो टेन, ये हो गया आपका एट और ये हो गया आपका थ्री। तो अगर हमने इसका टोटल किया तो ये तो हो गया आपका ट्वेंटी वन और ये आपका हो गया थर्टी वन माइनस का, तो माइनस का टेन आ गया। अब ये देखो जीरो नहीं आ रहा, जीरो क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि एज्यूम मीन है। ठीक है, तो अब क्या करना है, एफ डी एक्स केयर करना है, मतलब कि इसकी मल्टीप्लाई दोबारा इसी से कर दो। तो ये आ गया 18, 28, 11, 0, 10, 16, 9 और इसका टोटल कर दो, इसका टोटल करो 18 प्लस में 28 प्लस 11 प्लस में 10, 16 एंड 9, तो ये आ रहा है 92। ठीक है, 92 आ रही। तो अब देखिए आगे कैसे करेंगे, 92 जो आ गया ये, हाँ जी अब देखो तो 92 आ गया, आंसर आपका वही रहेगा। तो फॉर्मूला हमने क्या लगाया था, फॉर्मूला लगेगा अब समेशन एफ डी एक्स केयर डिवाइड बाय समेशन एफ माइनस में समेशन एफ डी एक्स बाय समेशन एफ इसका होल स्केयर। ऊपर तो एफ लगेगा और नीचे एन की जगह क्या आ जाएगा, समेशन एफ आ जाएगा बस। तो चलो करके देखते हैं, तो 92 डिवाइड बाय 50 और माइनस ये है माइनस टेन डिवाइड बाय 50 और इसका होल स्क्वायर। हाँ जी, तो अब ये देखो क्या आ गया, 92 को अगर 50 से डिवाइड कर देते हम लोग, डिवाइड बाय 50, ये आ गया 1.84 और ये हो गया 0.2 हो गया ना, और इसका स्क्वायर तो ये आ गया 0.04, ये आ गया 1.8 और 1.8 का अगर हम रूट करेंगे तो पिछले वाले क्वेश्चन में भी यही किया था 1.342। तो सर ये वाला इजी पड़ गया पिछले वाले से, कैसे इजी पड़ गया, तो सर पहले तो मीन निकाला था, मीन वाला तो काम करना ही नहीं पड़ा इधर। ठीक है, जो मीन किया डी एक्स के बाद एफ डी एक्स फिर एफ डी एक्स केयर, फॉर्मूला ये वाला याद रखना। तो सर आपने बोला था मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों इकट्ठा पूछ ले, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन तो ऐसे निकल गया। तो सर एग्जाम में कैसे करेंगे, एग्जाम में बेटा छोटे नंबर देगा, कम नंबर देगा, इसे भी कम दे देगा। ठीक है, ज़्यादातर तो उम्मीद है, उम्मीद क्या है, क्वेश्चन ही सारा डिस्क्रीट सीरीज का नहीं आता, कंटिन्यूस का नहीं आता, इंडिविजुअल सीरीज का ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। अच्छा जी, तो सर एक वो जो फॉर्मूला था ना मीन निकालने वाला, वो और बताओ एक बार इसी के अंदर। तो इसी के अंदर मीन निकालने वाला फॉर्मूला देखो, तो फॉर्मूला क्या था, एक्चुअल मीन निकालना है ए प्लस समेशन एफ डी एक्स डिवाइड बाय समेशन एफ, ये वाला था। तो सर एज्यूम मीन कितना किया, सर 13 किया। अच्छा जी ये कितना है, ये माइनस टेन डिवाइड बाय क्या है 50, तो ये कितना आ गया 12.8 आ गया। तो सर उससे भी तो इतना ही आ रहा था ना, जो मीन आ रहा था हमारा इतना ही तो था, 12.8 ही तो आया था वो वहाँ से,
हाँ जी बिल्कुल इतना ही आया था, तो मेन भी आ गया और ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया। बस मेन था ये फॉर्मूला याद रखना, एक क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको, बस ये साथ साथ आप कर लीजिए अभी, ठीक है। और बाकी हम अभी होमवर्क में करेंगे, जैसे ये वीडियो ख़त्म करोगे तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, साथ साथ ही सोल्व करेंगे, बाद का कोई झंझट ही नहीं रखते, ठीक है ना, साथ साथ इसको सोल्व करना। हाँ जी आगे देखते हैं। हाँ जी बच्चों एक क्वेश्चन और करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है कॉन्टिन्यूस सीरीज का। सर ये भी लेंथ ही पड़ेगा, हाँ जी ये भी लेंथ ही पड़ेगा, फिर क्यों करा रहे हो? पहले भी बताया था कि क्वेश्चन जो है सारे के सारे कवर अप करेंगे, सिलेबस सारा करेंगे। जब तक कोई भी चीज़ छोड़ता हूँ ना, मेरे को तो नींद नहीं आती हुई, मेरे माइंड में रहता है कि ये चीज़ रहेगी, बच्चे को करवानी चाहिए थी, ठीक है, क्योंकि आपका हक है पूरे का पूरा कि सारे का सारा सिलेबस किया जाए, ठीक है। सिलेबस छोड़ने में आपको भी मज़ा आएगा, मेरे को भी मज़ा आएगा, क्योंकि मेरे को करवाना नहीं, आपको करना नहीं, ठीक है। बट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे का पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना। तो मेरे को नींद नहीं आती है, तो मेरी नींद चाहिए मेरे को, तो इसलिए हम सारे का सारा सिलेबस करेंगे। और आपसे भी यही उम्मीद है और यही रिक्वेस्ट है आपसे कि सारे का सारा सिलेबस कंप्लीट करो, कुछ भी कोई भी चीज़ छोड़ना मत यहाँ पे, ठीक है। आप चाहे खुद को अपने फ्रेंड सर्कल में कंपेयर करो या दूसरी अकेडमी से कंपेयर करो, कहीं भी कंपेयर करो, ठीक है, आप अपने को वहाँ से ज़्यादा अच्छा ही पाओगे। बट थोड़ा सा कंपेयर देख लेना कि किस तरीके से आप उसको कंपेयर कर रहे हो। ये मत पूछना कि आपके डाउट्स आ रहे कि नहीं आ रहे, आप नोटबुक देखना उसकी और ये बोलना कि क्या कवर कराया है, कितना कराया है, कौन कौन से क्वेश्चन कराए हैं, कितने क्वेश्चन कराए हैं, तब फर्क पता करना, आपको भी मज़ा आएगा और मेरे को भी मज़ा आएगा फिर, ठीक है ना। तो अभी क्वेश्चन देखते हैं कॉन्टिन्यू सीरीज का। तो कॉन्टिन्यू सीरीज के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले सर मिड वैल्यू ही निकालेंगे, तो मिड वैल्यू निकालेंगे, इसकी मिड वैल्यू कितनी आ गई, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, ये मिड वैल्यू आ गई। तो जो मिड वैल्यू आ गई, अगर हम इसको छोड़ दें, लो जी छोड़ दिया, तो अब ये जो बन गया ये क्या बन गया सर, तो डिस्क्रीट सीरीज वाला ही बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेंगे, कोई बात नहीं, आप भी करो, मैं भी करता हूँ यहाँ पे, आप लोग घर पे करो सोल्व, देखते हैं दोनों का आंसर सही आता है कि नहीं आता, ठीक है। चलो स्टार्ट इकट्ठा कर लेते हैं। हाँ जी देखो, तो सर कौन से करें, एक्चुअल मीन निकाल ले क्या, अरे नहीं लेंथ ही पड़ेगा एक्चुअल मीन से, एज्यूम मीन से कर लेते हैं। हाँ जी एज्यूम मीन, सर क्या एज्यूम करें, सर कुछ भी एज्यूम कर लो, लेकिन आपने बताया था इनमें से नंबर एज्यूम करोगे ना, और खासकर बीच वाला तो आसान पड़ेगा, ज़्यादा आसान पड़ेगा। हाँ जी तो ये एज्यूम मीन कर लो, तो ये x हो गया, अब तो dx निकाल लो, तो dx निकला, इसमें से माइनस किया, लो जी माइनस कर दिया, -30, -20, -10, 0, 10, 20, 30 हो गया। हाँ जी तो अब क्या करेंगे, f dx करना है, और क्या चाहिए, f dx square चाहिए, तो सर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दे तो एफ डी एक्स आ जाएगा। हाँ जी -150, -240, -150, 0, 100, 80 और ये 60, तो इनका टोटल कर लो, लो जी टोटल कर लो, ये तो आ गया आपका 540 और ये आ गया आपका 240, तो लो जी -300 आ गया। सर -300 कुछ ना कुछ वैल्यू आई, क्यों आई, क्योंकि हमने इसको एक्चुअल मीन से नहीं किया, हमने इसको किससे किया, एज्यूम मीन से किया। हाँ जी आगे देखो, इसकी मल्टीप्लाई दोबारा इससे कर दो, एफ डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। हाँ जी करो, तो ये कितना आ जाएगा 4500, ये कितना आ जाएगा 4800, ये कितना आ जाएगा 1500, ये तो जीरो है ही, ये 1000, ये 1600 और ये 1800, इसका टोटल कर लो, बस इसका टोटल करो, लो जी 4500 प्लस में 4800, उसके बाद 1500 एंड फिर 1000, फिर 1600, देन 1800, ये आपका हो गया 15200। बस अब फॉर्मूला लगाना और कुछ नहीं करना, सब फॉर्मूला तो वही रहेगा ना। हाँ जी अब वही रहेगा, कोई चेंज नहीं है, समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ डी एक्स डिवाइड बाय समेशन एस और ये स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, ठीक है। समेशन एफ से समेशन एफ मत काट देना, ये मल्टीप्लाई हो रखा है, और मल्टीप्लाई का मतलब पहले मल्टीप्लाई हो रखा है बाद में टोटल हो रखा है। तो अब ये हो गया 15200, इसका टोटल भी करो, समेशन एफ चाहिएगा हमको, तो समेशन एफ करेंगे तो ये आ गया कितना हो गया देखो, 5 + 12 + 15 + 20
प्लस 10 प्लस 4 प्लस 2 68 आए, तो ये आ गया आपका 68। तो ये 68 हो गया और ये आपका माइनस 300 डिवाइड बाय 68। इसके बाद तो कैलकुलेटर ही चलाना है आप लोगों को, तो लो चलाओ 15200 डिवाइड बाय 68 डिवाइड बाय 68, ये आ गया आपका 223.53 माइनस 300 डिवाइड बाय 68, और उसका स्केयर करना है तो ये आ जाएगा 19.46। और इसमें से माइनस कर दो 223.53 माइनस में 19.46, ये आ गया 204.07। और इसका आप कर दो रूट, इसका रूट कर दिया तो ये आ गया 14.28। ये आपका आंसर है सर। क्वेश्चन तो सिंपल ही था बट लेंथी था, ठीक है। मुश्किल और लेंथी में बहुत फर्क होता है। मुश्किल वो होता है जो समझ में आने में दिक्कत हो जाती है, और लेंथी वो होता है जो समझ में तो आ गया, सोल्व करने में टाइम लग रहा है। तो सिलेबस आपका मुश्किल नहीं है, लेंथी है, ठीक है। हाँ, जो थ्योरेटिकल जो मान लो थोड़ा बहुत डाउटफुल लगे वो धीरे धीरे समझ में आएगा, अभी तो कच्चे घड़े हैं, पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पे जो मैं बोर्ड पे करा रहा हूँ ये बिल्कुल आपको पका पकाया मिल रहा है। तो अगर ये भी कर लोगे तो भी 65 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, लिख के दे सकता हूँ ये बात, ठीक है ना। तो आज के लिए यही करेंगे, ये क्वेश्चन करके देखना स्टैंडर्ड डेविएशन के, इंडिविजुअल सीरीज के, डिस्क्रीट सीरीज के एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज के। क्वेश्चन मैं आपको वीडियो के बाद अभी सेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो बस ये करते रहिए, खुश रहिए, घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।